मानवीय जीवन की व्यवस्था में गीता वह पावन ग्रंथ है जिससे क्षेत्र, भाषा, जाति, मत, मजहब से परे सभी लोगों को निष्काम कर्म की प्रेरणा मिलती है। दुनिया में अनेक ग्रंथ रचे गए, लेकिन गीता युद्ध क्षेत्र में भगवान के श्रीमुख से रचित वह ग्रंथ है जो देश, काल, परिस्थितियों से ऊपर उठकर चराचर जगत के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। यह आने वाली पीढ़ी के लिए अमर वाक्य बनकर प्रेरणा देने का सार्वभौमिक ग्रंथ है, यह कहना है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। वह रविवार शाम गीता प्रेस में आयोजित गीता जयंती समारोह को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति अपनी प्रकृति के अनुरूप गीता के मंत्रों को अंगीकार करता है, पर वास्तव में गीता से हमें यह प्रेरणा प्राप्त होती है कि सभी समस्याओं का समाधान निष्काम कर्म करने से ही संभव है। यदि हम अपना काम स्वयं न करके या किए गए कार्य से अधिक की अपेक्षा करेंगे तो किसी न किसी दूसरे के हक पर डकैती होगी। भगवान ने गीता की रचना सिर्फ अर्जुन के द्वंद्व को समाप्त करने के लिए ही नहीं बल्कि समूची मानवता को कर्तव्य पथ पर चलने की प्रेरणा देने के लिए की थी। कारण अर्जुन जैसी स्थिति समान मनुष्य की भी होती है। 5000 वर्ष पहले कुरुक्षेत्र में गीता के रूप में भगवान के श्रीमुख से दिव्यवाणी प्रकटीकरण हुआ था, तब वर्तमान आधुनिक सभ्यताओं का अस्तित्व भी नहीं था। सीएम योगी ने कहा कि निष्काम कर्तव्य के प्रति आग्रही होना वास्तव में भगवान का काम करने के समान है। यदि हम निष्काम कर्म की प्रेरणा से अपने कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करने लगे तो दुनिया की सभी समस्याओं का समाधान अपने आप ही होता दिखाई देगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गीता व अन्य धार्मिक साहित्य के प्रकाशन के लिए गीता प्रेस के संस्थापक सेठ जी जयदयाल गोयनका, कल्याण पत्रिका के आदि संपादक भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार का भी स्मरण किया। उन्होंने कहा कि सेठ जी ने 100 वर्ष पूर्व गीता प्रेस की स्थापना कर धार्मिक साहित्य के क्षेत्र में अद्भुत व अनुकरणीय मानक स्थापित किए हैं। वहीं जन जन तक कल्याण पत्रिका के जरिए सनातन संस्कृति का संवर्धन करने वाले भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार मानवीय रूप में दिव्य पुरुष थे। उन्होंने कहा कि विश्व भर में रहने वाले सनातन धर्मावलंबियों के लिए गीता, गीता प्रेस और यहां से प्रकाशित होने वाला धार्मिक साहित्य आस्था का विराट केंद्र है। मुख्यमंत्री ने गीता प्रेस प्रबंधन का आह्वान किया कि वह शताब्दी वर्ष समारोह में 100 करोड़ धार्मिक साहित्य छापने का लक्ष्य रखें। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने चित्रमय सुंदरकांड का विमोचन भी किया और समस्त जनमानस को पावन गीता जयंती की शुभकामनाएं दी। गीता जयंती समारोह की अध्यक्षता करते हुए मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जेपी पांडे ने कहा कि गीता लाल कपड़े में लपेटकर घर के किसी कोने में रखने वाली किताब नहीं बल्कि जीवन का सही मार्ग दिखाने का जीवन माध्यम है। हर व्यक्ति को गीता में भगवान की तरफ से दिए गए संदेशों को समझना चाहिए और उन्हें अपने जीवन में उतारना चाहिए। उन्होंने गीता के श्लोक का स्मरण करते हुए कहा कि यदि हम धर्म की रक्षा नहीं करेंगे तो धर्म भी हमारी रक्षा नहीं करेगा। कार्यक्रम का संचालन गीता प्रेस के प्रबंधक लालमणि तिवारी ने किया। इस अवसर पर गीता प्रेस के वरिष्ठ ट्रस्टी बैजनाथ अग्रवाल, ट्रस्टी कृष्ण कुमार खेमका, मुरली मनोहर सराफ, कथा व्यास स्वामी नरसिंह दास, वाराणसी से आए महामंडलेश्वर स्वामी संतोष दास और सतुआ बाबा महंत रविंद्र दास आदि भी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गीता प्रेस के प्रोडक्शन मैनेजर आशुतोष उपाध्याय ने कहा, आप लोगों से महाराज जी का स्वागत करें, पुष्पांजलि करते हुए पुरुषाधीश्वर भगवान को महाराज जी मंचासीन हो रहे हैं। महाराज जी के मंचासीन होने के बाद ही हम लोग बैठे हैं। उल्लास के साथ गीता जयंती मना रहा है। इस अवसर पर जगत नियंता को नमन करते हुए गीता प्रेस के संस्थापक श्रद्धेय श्री जयदयाल जी गोयनका का स्मरण करता हूँ, जिनके संकल्प और शक्ति के कारण आज आध्यात्मिक ग्रंथों का और गीता जी का इतना प्रचार प्रसार संभव हो पाया है।
साथ भी स्मरण करता हूँ, ऐसा दृढ़ विश्वास है। इस अवसर पर मैं यह बताना आवश्यक समझता हूँ कि जिस ग्रंथ की आज जयंती है, जिसके प्रचार प्रसार के लिए इस प्रेस की स्थापना 1923 में हुई थी, गीता जी की अब तक गीता प्रेस से 16,55,00,000 प्रतियां प्रकाशित हुई। गीता प्रेस अपना 100वां वसंत देखने की तरफ अग्रसर है। इस 100 वर्ष के इतिहास में गीता प्रेस ने छपाई की ड्रिल मशीन से यात्रा प्रारंभ की और आधुनिक वेव ऑफसेट मशीन से छपाई की यात्रा तक पहुंच चुका है। प्रिंटिंग और बाइंडिंग के लिए अनेक देशी विदेशी मशीनों का उपयोग हो रहा है। लगभग 1,45,000 वर्ग फीट में फैला प्रेस सुदूर भारत के कोने कोने में उनकी भाषा में सत साहित्य उपलब्ध करा रहा है। हम 15 भारतीय भाषाओं में, जिसमें तमिल, तेलुगु, कन्नड़, गुजराती, मराठी इत्यादि भाषाएं हैं, जिनमें पुस्तकों का प्रकाशन हो रहा है। पुस्तकों की संख्या देखी जाए तो 1800 से अधिक तरह की पुस्तकें प्रकाशन में हैं। रोज लगभग 60,000 से अधिक पुस्तकें गीता प्रेस निर्गत कर रहा है। इन्हीं वाणी के साथ सबको प्रणाम करते हुए सबका आशीर्वाद जानने की इच्छा है, सभी के साथ चरणों में साकार मंदिर किया जाए तो मैं बड़ी विनम्रता के साथ ये प्रार्थना करते हुए, इसलिए अगर कोई भूल हो रही हो तो आप लोग क्षमा करेंगे, और सम्मान जो है मैं पूज्य श्री महाराज जी से करना चाहता हूँ। ले गए आए हाँ, और सबसे पहले महाराज जी को भेंट करेंगे, उसके बाद भेंट करेंगे और आज के सर पावन कार्यक्रम में उपस्थित आज के समारोह के अध्यक्ष सर मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जय प्रकाश पांडे जी, गीता प्रेस के वरिष्ठ ट्रस्टी श्री गणेशनाथ जी अग्रवाल, ट्रस्टी गीता प्रेस श्री कृष्ण कुमार खेमका जी, ट्रस्टी गीता प्रेस श्री मुरली मनोहर सराफ जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित से के बाद आप सबको यहाँ पर कथाभ्यास से पावन कथा को श्रवण करने का आनंद प्राप्त होगा। स्वामी बहरिनाथ हरिदास जी महाराज, महामंडलेश्वर और काशी से बधाई और जो सप्रवास महंत संतोष दास जी महाराज, कालीबाड़ी के महंत जी का और उनकी कथा तो आप मुझे सुनते हैं, श्री महंत रविंद्रनाथ जी महाराज, गीता प्रेस के सभी ट्रस्टीगण और आज के इस गीता जयंती कार्यक्रम में उपस्थित सभी उपस्थित महानुभाव, उपस्थित भाइयों बहनों, दुनिया के अंदर ग्रंथों को नहीं रचे गए होते, लेकिन ग्रंथ चेतन है और वह भी साक्षात भगवान के सिरुख से जो ग्रंथ रचा गया होगा वह वास्तव में देश काल परिस्थिति से ऊपर उठकर के किसी व्यक्ति, किसी जाति, किसी मत, किसी मजहब, किसी क्षेत्र, किसी भाषा का न होकर के इस संपूर्ण चराचर जगत के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेगा ही। और गीता जयंती आज का कार्यक्रम इस बात को प्रदर्शित कर रहा है। आज ही के दिन मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को
और दिव्य वाणी यद्यपि ये मान्यता है कि अपनी प्रकृति के रूप श्रीमद भगवत गीता के मंत्रों को लोग अंगीकार करते हैं, उसका अर्थ निकालते हैं, उसके भाव को रूप में व्यक्त करते हैं, लेकिन वास्तव में अगर मानवीय जीवन की व्यवस्था को आप देखेंगे, यह निष्काम कर्म की प्रेरणा देने वाला व्यक्ति को अपने कर्तव्यों के प्रति आग्रही बनाने वाला एक पवित्र ग्रंथ है। सारी समस्याओं का समाधान उसी में हो जाता है जब हर व्यक्ति केवल अपने स्वयं के कर्तव्यों का निष्काम भाव के साथ काम करे। हमेशा बंद का होता है जब व्यक्ति स्वयं कार्य न करके दूसरों को प्रेरणा देने लगता है, जब कार्य जितना करता है उससे अधिक अपेक्षा करने लगता है, तो स्वाभाविक रूप से व्यक्ति ने जितना किया है उससे ज्यादा अपेक्षा करेगा तो किसी दूसरे के हक पर डकैती डालने का काम करेगा। और इसलिए भगवान ने अर्जुन के उस द्वंद को समाप्त करने के लिए कि जो तुम्हारा मोह है, जो तुम्हारे सामने दुविधा आई है और तुम्हारी गलत फहमी दूर हो जानी चाहिए कि तुम जो मानते हो कि तुम्हारे कारण से विजय मिलने वाली है, तुम्हारे कारण से कोई मारा जाने वाला है, तो ऐसे मारे गए हैं तुम्हें। अगर इस सब कुछ देखना है वही मैं तुम्हें दिखा देता हूं, लेकिन केवल मानवीय सृष्टि में व्यक्ति अपने कर्तव्यों से चुत न होने पाए इसके लिए सारी व्यवस्था रची गई है। और भगवान ने पहले ही युद्ध का परिणाम क्या होने वाला है अपने दिव्य दृष्टि से उन्हें सब कुछ अपने विराट स्वरूप से वह सब कुछ दर्शन देख करके अर्जुन को सब अवगत भी कराया। और अंत में संजय ने भी उसके बारे में पहले ही सबको सबको अवगत करा दिया। और इसलिए वायुदेव ने इस अवसर पर वास्तव में कर्तव्य के प्रति और निष्काम कर्म के प्रति व्यक्ति का आग्रही होना, हर व्यक्ति के द्वारा अपने अपने कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन कर दिया हर भीड़ में जो जिस क्षेत्र में और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है तो वास्तव में वो भगवान का ही कार्य करता है। हम सब जानते हैं कि गीता देखने का कार्यक्रम और मैं इसको अद्भुत संयोग ही मानता हूं, इसलिए हम सब के सामने आ पाया क्योंकि यह वर्ष गोरखपुर की गीता प्रेस का शताब्दी वर्ष भी है। जून 2022 में देश के महामहिम राष्ट्रपति जी का स्वयं इस कार्यक्रम में आगमन हुआ था, उद्घाटन वहां से शुरू हुआ था। वर्ष भर ये कार्यक्रम चलेंगे। 1923 में गोरखपुर में गीता प्रेस की स्थापना सेठ जी ने, जिस जय ज्ञान गोयनका जी ने यहां स्थापित की, और वास्तव में इन 100 वर्षों की अपनी इस यात्रा के भगवान गीता प्रेस ने जो साहित्य के क्षेत्र में, खासतौर पर धार्मिक साहित्य के क्षेत्र में जो मानक स्थापित किए हैं बहुत अद्भुत है, अत्यंत अनुकरणीय और सराहनीय है। पूरी सनातन धर्म के अनुयायियों के सरकार के केंद्र के रूप में यह
यह अपने आप ही उन्हें आकर्षित कर देता है। इतना पवित्र कार्य हुआ, जितना बड़ा विराट कार्य हुआ है, धार्मिक साहित्य 100 करोड़ के आसपास छपना, अब तक छपना कि 100 वर्षों में 100 करोड़ से अधिक साहित्य, धार्मिक साहित्य छापना, इसको पूरा करना है और इसको वहां तक ले जाने की दिशा में जो भी प्रयास हो सकते हैं उस दिशा में हम सबके सामूहिक प्रयास होने चाहिए। क्योंकि हर सनातन धर्मावलंबी देश के अंदर हो, दुनिया के अंदर हो, कहीं भी हो, हम लोग बातचीत करते हैं जितने भी प्रवासी भारतीय हैं, जब उनसे चर्चा होती है तो उनका एक आकर्षण का केंद्र इस बात को लेकर के भी होता है, जब मेरे से चर्चा होती है तो लोग इस बात को कहते हैं कि ये हम गीता प्रेस से जुड़ी हुई पुस्तक पढ़ते हैं। मैं पूछता हूँ कौन सी पुस्तक पढ़ते हो, तो ज्यादातर लोग कहते साहब हमारे यहाँ कल्याण आती आदि संपादक के रूप में सभी भाई जी ने इस नई ऊंचाई तक पहुंचाया था। मानवीय रूप में हम सबके सामने आए हैं, अपनी अद्भुत लेखनी के माध्यम से उन्होंने कल्याण को जो नई ऊंचाई दी थी, घर घर में उस समय जब साधन नहीं थे तब कल्याण पहुंच गए, संचार के साधन नहीं थे, डाक व्यवस्था के माध्यम से घर घर पहुंच गए, और इसलिए आज जब संचार के साधन बेहतरीन हुए हैं, हम 5G में चले गए, तकनीक कृष्ण व्यवस्था आ चुकी है, हमें उसके अनुरूप अपने आप को तैयार करना होगा, उसके अनुरूप आगे बढ़ना होगा, और गीता प्रेस इस दिशा में बेहतरीन प्रयास कर रहा है। ये बहुत आत्मिक संतुष्टि होती है, अत्यंत आनंददायी होता है, और गीता जयंती का एक कार्यक्रम सबके इस विषय के अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। तीसरा, 5000 वर्ष पहले भगवान के श्री कृष्ण के कुरुक्षेत्र में आज ही के दिन दिव्य वाणी का प्रकटीकरण होता है। आप सोचिए दुनिया के अंदर जितने आधुनिक सभ्यताएं हैं 5000 साल पहले इनका अस्तित्व क्या होता है, इनमें से एक भी 5000 वर्ष पुराना नहीं है। लेकिन 5000 वर्ष पहले भगवान के श्री रूप से कुरुक्षेत्र में और वह भी युद्ध के क्षेत्र में ज्यादातर लोगों में हताशा होती है, निराशा होती है, लोग एक उस भाव से कि जो अर्जुन की स्थिति थी वह सामान्य मनुष्य की स्थिति होती है, लेकिन उस समय भी भगवान श्री कृष्ण अपने दिव्य वाणी के माध्यम से एक ऐसी अद्भुत वाणी को वहां पर देते हैं जो आने वाली पीढ़ी के अमर वाक्य बन करके लोगों के लिए प्रेरणादायी बन सके, और इसलिए सार्वभौम ग्रंथ के रूप में गीता को मान्यता प्राप्त हुई। आप देखते होंगे कोई जाति का हो, किसी मत का हो, किसी मजहब का हो, किसी क्षेत्र का हो, किसी भाषा का हो, कोई भी जिस भाव के साथ गीता को पढ़ेगा उसने उस प्रकार का अपना भाष्य रचा है, उसने उस प्रकार से उस ग्रंथ की रचना कर डाली। और मैं फिर इस बात को कहता हूं कि व्यक्ति की अपनी प्रकृति है, सात्विक प्रकृति का व्यक्ति उसी भाव के साथ उसका अध्ययन करेगा, राजसी प्रकृति का व्यक्ति उसी भाव के साथ उसको देखेगा, तामसी प्रकृति के व्यक्ति को भी उसमें उस तत्व प्राप्त होंगे। लेकिन ये वास्तव में एक सार्वभौम ग्रंथ है जो हर काल, हर देश, हर परिस्थिति में हम सबको शाश्वत रूप से मार्गदर्शन करता रहेगा, और उस मार्गदर्शन के योग्य हम सबको अपने आप को तैयार करना होगा, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि हर क्षेत्र से जुड़ा हुआ व्यक्ति ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने लग जाए, और वह भी अपने कर्तव्यों का मतलब भगवान ने सकाम कर्म की बात नहीं की, निष्काम कर्म की बात की,
कर्मण्य वाकिना रस्ते आत्मदेशो कदाचन के भाव के साथ। तो उस पवित्र भाव को निकाल करते हुए अगर हम आगे बढ़ते हैं, मुझे लगता है दुनिया के सारी समस्या का समाधान अपने आप ही होता हुआ दिखाई देगा। आज के इस अवसर पर गीता प्रेस अपनी समाप्ति वर्ष के इस कार्यक्रम के अवसर पर यद्यपि हर वर्ष गीता जयंती का कार्यक्रम यहाँ पर मार्गशी शुक्ल एकादशी के अवसर पर यहाँ पर आयोजन होता है और यह वर्ष शताब्दी वर्ष का गीता प्रेस का है, तो शताब्दी वर्ष के अवसर पर यह कार्यक्रम और भी अद्भुत है, उत्तम है और इस अवसर पर आप सबको यहाँ पर स्वामी नरहरिदास जी की पावन कथा का आनंद लेने का अवसर भी प्राप्त होगा। मैं इस अवसर पर संपूर्ण कार्यक्रम की होगी अपनी ओर से, मंच की ओर से और राज्य सरकार की ओर से मंगलमय शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं। विश्वास व्यक्त कर बल्कि मानव मात्र के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त करेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। ओम शांति। मुख्यमंत्री योगी जी श्री आदित्यनाथ जी महाराज, गीता प्रेस के वरिष्ठ गीता जयंती के अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देना। विश्व के सभी धर्मों में पुस्तकें जो लिखी गई हैं, गीता जयंती के अवसर पर हम गीता की जयंती मनाते हैं इस ग्रंथ की, वो उसका कारण ये है कि ये भगवान द्वारा दिया गया एक संदेश है, वाणी है जिसको हमने संकलित किया हुआ है। गीता एक लाल कपड़े में बांध के सभी लोग घर में रख लेते हैं, लेकिन क्या उसके लिए हम मेंटली तैयार हैं कि क्या गीता है? हम लोगों ने भी जब हम लोग साइंस के विद्यार्थी रहे, कभी ऐसा अवसर नहीं मिला कि हम लोग साहित्य की तरफ देखें, इन पुस्तकों पर भी देखें। जब अब अवसर मिला है तो अब ऐसा लगता है कि बहुत देर हो गई है और हमको बहुत पहले से अपनी शिक्षा व्यवस्था में इस किताब गीता ग्रंथ के एक एक लाइनें इतनी मुख्य हैं, इतनी इम्पॉर्टेंट हैं कि उसे समाहित करना। जैसा मुख्य अतिथि महोदय ने कहा कि सभी को अपना कार्य करना चाहिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब भी माननीय मुख्यमंत्री जी से हम मिलते हैं, उनको बताते हैं कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उनका एक ही संदेश होता है, जो भी करना विश्वविद्यालय के हित में करना। विश्वविद्यालय के हित मतलब सभी का हित उसमें समाहित है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि महाराज जी का जब अगला कार्यक्रम बनेगा तो इस समय भी उस समय पूरा कर देंगे। धन्यवाद। महाराज जी के जाने के बाद ही लोग जो है यहाँ से जाएंगे। महाराज जी के नीचे प्रसाद की व्यवस्था है, लोग जब उतरेंगे तो प्रसाद लेके जाएंगे। पूज्य श्री महाराज जी को यहीं से सीधा लखनऊ जाना पड़ रहा है, इसलिए समय कम मिला है। आशुतोष उपाध्याय, प्रोडक्शन मैनेजर, गीता प्रेस। आज गीता जयंती का विशेष महोत्सव है। इसी दिन भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। गीता का प्राकट्य इसी दिन हुआ था, तो इसलिए हम लोग प्रत्येक वर्ष गीता जयंती आज के दिन मनाते हैं। इस वर्ष का गीता जयंती कुछ विशेष है, कुछ खास है। कारण यह है कि ये हमारा शताब्दी वर्ष है। गीता प्रेस 99 वर्ष पूर्ण करके 100वें वर्ष में है, और इसलिए यह एक हमारे लिए बड़ा खास मौका था। इस मौके पर माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। गीता जयंती में यह मुख्यमंत्री का प्रथम कार्यक्रम था, किसी भी मुख्यमंत्री का गीता जयंती पर प्रथम कार्यक्रम था। पूज्य महाराज जी से हमको इस अवसर पर विशेष आशीष मिला और उन्होंने जो हमारा मार्गदर्शन किया वो सबके लिए अनुकरणीय है, और ये गीता जयंती का कार्यक्रम अत्यंत सफल रहा।